हेलो गाइस, फूडी आर की टीम आई है आज मेट्रो मॉल यूनिटी वन कड़कड़ूमा। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं, मतलब आपने घर का खाना तो वैसे रेस्टोरेंट में भी खाया होगा और आसपास शॉप से भी खाया होगा, लेकिन हम ऐसे आपको खाना टेस्ट कराएंगे जो अंकल भी एक्टिवा स्कूटी पर अपना खाना सेल कर रहे हैं। खाना इतना लाजवाब है, मैंने बहुत सुना है, ऐसे वीडियो में भी देखा है, बहुत सुना है कि खाना बहुत टेस्टी, तो हम भी ट्राई करते हैं ये खाने में ऐसा क्या खास है। फिर आपका नाम शोम जोड़ी, आप फिर कब से यहाँ पे, मतलब ये यहाँ मैं 5 मार्च से लगा रहा हूँ। मार्च से लगा रहा हूँ। और आप कब से किस टाइम तक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं? मैं यहाँ पर 1 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। और जो अभी खाने आप अपने कुछ घर पे हमारी तो दाल होती है, दो के अंदर दाल है। दाल कौन सी? डेली चेंज है। अच्छा, चेंज होता रहता है। दो में दाल है, एक में सब्जी है, चार रोटी है, सलाद है, चावल है। और ये पूरा आप ये खाना सुबह सुबह बनाते हैं, मतलब लंच प्रिपेयर करके फिर आप यहाँ मेट्रो मॉल यूनिटी वन के पास आके यहाँ पे जिसका नाम भी आपको दिखा रहा हूँ, स्वादिष्ट घर का खाना। चलिए आप भी ट्राई करते हैं। थाली है 70 रुपये। हम भी टेस्ट करते हैं अपनी 70 रुपीज़ थाली है, तो चलिए हम भी बताते हैं क्या साइज़ है। ये गाइस, ये दाल है दो जगह, और ये दाल में ज़्यादा काली मसूर की दाल है, काली मसूर की दाल, और ये भिंडी है, और ये सलाद भी है, और ये राइस है, और ये चपाती भी दिखाता हूँ कैसी है। चपाती है, तो चपाती अगर आप देखोगे चपाती के अंदर एक घी लगा हुआ है, तो इस तरह से क्वांटिटी तो बिल्कुल सही है, अगर एक जने के हिसाब से प्रॉपर एक खाना है। और रोटी का अगर आप देखोगे ना, प्रॉपर एक घर वाली रोटी बिल्कुल एग्जैक्ट। तो चलो मैं एक बार टेस्ट करता हूँ आपके। घर का खाना याद आ गया बिल्कुल, अगर कोई जैसे पीजी में रहता है और अपने घर का खाना मिस करता है तो अंकल जी से यहाँ पे आके खाना पूरी ताली दे सकते हैं। कोई घर से खाना किसी रीज़न से नहीं ला पाया है, नहीं बना है, जैसे कोई कैब है, कोई ऑफिस से आ रहा है, तो वो यहाँ पे आके अंकल जी से यहाँ पे थाली ले सकता है, तो वो अपना प्रॉपर एक भरपेट खाना खा सकता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा, बिल्कुल घर वाला खाना, एक रेस्टोरेंट ढाबे से ना खा के तो वो यहाँ भी खा सकता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, और होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक मिलते हैं नई वीडियो पे, बाय, टेक केयर। तो सर मुझे आप बताइए कि मेरा आपका आइडिया कैसे आया कि मुझे लोगों के जैसे ये खाना खिलाना चाहिए, मतलब एक ताकि मैं उनको एक घर का बनाया खाना खिला सकूँ। सर ऐसा है, पहले मेरा अपना फैक्ट्री का काम था। हाँ जी। उसमें मेरा अपना बिजनेस था, तो विश्वास नगर में 3-4 साल पहले सीलिंग हो गई। हाँ जी। पूरा एरिया, ये इंडस्ट्री एरिया उठ गया था। ओ, सीलिंग हो गई थी। हाँ जी। तो जिससे हमारा काम डिस्टर्ब हो गया, तो फिर कभी इधर जा कभी इधर जा तो सेट नहीं हो पाया। हाँ जी। फिर उसका कोविड आ गया। कोविड, हाँ, 2 साल कोविड आके लॉकडाउन हो गया, पूरा कैद हो गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें। तो उसके बाद में फिर मिसिज ने, मैंने यही सोचा, मेरे को मालूम था मेरी मिसेज अच्छा खाना बनाता है। हाँ जी। तो आपने फिर अगर यही बिजनेस किया जाए तो कैसा रहे, अपने आइडिया लिया। हाँ जी। तो फिर हमने काम में खाया। नहीं, सही है, घर का खाना बिल्कुल एक तरह से कोई भी, अगर एक तो घर का खाना मिलता कम है लोगों को, जैसे कोई पीजी में रह रहा है, कोई जैसे ऑफिस से यहाँ रह रहा है, तो वो भी आसानी से खा सकता है, कॉलेज का स्टूडेंट है, तो ये अच्छा मैसेज है आपका। तो आप वैसे अगर आपके, मैं एज पूछ रहा हूँ, कितने साल हो गए? मतलब मेरी एज है 66+ है। 66+, और मतलब आप इतनी भरी धूप में, गर्मी में भी आप मतलब क्या खड़े हो और मतलब प्रॉपर अपना काम कर रहे हो, तो आप 3:30 तक होते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो पहले कदम में बस से 3:30 तक आप होते हो यहाँ पे। तो गाइस, अंकल का आप एक जज्बा देख सकते हो, तो आइए और सपोर्ट कीजिए अंकल को।